आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की। जी हां, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के यहां से और उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर के यहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अतीक अहमद और अशरफ का मर्डर होने के बाद अब कहा जा रहा है कि सीएम योगी का डर बढ़ गया है। जी हां, सीएम योगी जो है वो खौफ में नजर आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की जा रही है कि अब सीएम योगी की जो अभी सिक्योरिटी है उससे कहीं ज्यादा सिक्योरिटी तैनात की जाएगी, ये कहा जा रहा है। सुरक्षा कवच जो है वो सीएम योगी का बढ़ाया जा रहा है। सीएम योगी को अब बड़ा खौफ लाहक हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब अतीक अशरफ का कत्ल हो चुका है तो अब सीएम योगी का किसको डर है, सीएम योगी को किसका डर है, ये सवाल उठ रहा है। कहा जा रहा है कि अतीक का जो गुंडा राज था वो मिट्टी में मिल गया, जो अतीक अहमद का गैंग था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो सवाल ये है कि अगर अतीक का गैंग पूरी तरीके से खत्म हो गया है और अतीक से ही सारा खौफ था, तो फिर अब ये सुरक्षा घेरा क्यों बढ़ाया जा रहा है, ये लोग सवाल कर रहे हैं कि किसका डर है, योगी आदित्यनाथ जी को किस बात का डर है, क्यों उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कही जा रही है। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी हालात कशीदा है, हालात सनसनीखेज है। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगाई गई है। अभी भी प्रयागराज में जो इंटरनेट की खदमात है वो पूरी तरीके से रोकी गई है, उन्हें चालू नहीं किया गया है। जब अतीक अहमद का जनाजा उनके आबाई गांव कसारी मसारी पहुंचा तो वहां भी भीड़ को तितर बितर कर दिया गया और कहा गया कि खबरदार, किसी को जनाजे में आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परिवार के लोग ही आएंगे। तो ये तमाम सिक्योरिटी जो है वो देखने को मिल रही उत्तर प्रदेश में। और अब खुद योगी जी को खौफ लाहक हो गया है, उन्हें डर पैदा हो गया है। सवाल यही है कि आखिर डर किस बात का है। अब तो गुंडा राज खत्म हो गया है यूपी में, अब तो यूपी में बहुत ही अमन अमान हो गया है। जब यूपी में कानून का राज है, सब कुछ ठीक है, तो एक बड़ा सवाल यह है कि फिर योगी जी को किस बात का डर है, किसका डर है, क्यों सुरक्षा घेरा बढ़ाया जा रहा है, क्यों जो उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय है वो क्यों ये कह रहा है कि अब सिक्योरिटी जो है वो सीएम की बढ़ाई जाएगी। जब अब भयमुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, कहीं कोई डर नहीं है, तो फिर सवाल यह है कि जो सूबे का सबसे बड़ा मुखिया है, जो अब प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ देख रहा है, उसको किस बात का डर हो गया है, उसे किसका डर सता रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन सियासत में कहां से कौन सी जगह से खौफ पैदा हो जाए, कहीं अपना ही कोई दुश्मन न निकल आए, यह भी एक बड़ी बात होती है। जी हां, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ है ये उन्हीं के लोगों ने मर्डर किया है, ऐसा कहा जा रहा है। और अब सीबीआई की भी जांच की मांग की गई है। जी हां, कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच किया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुड्डू मुस्लिम ने ही अतीक और उनके भाई का मर्डर करवाया हो, कि कहीं कोई राज न खोल दें, राज फाश न कर दें, ये कहना है। अब कुछ लोगों का ये सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल इंतजामिया और तमाम तरह से उठाया जा रहा है। बहरहाल ये कंफ्यूजन की सूरत है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अब सीएम को भी खतरा लाहक हो गया, योगी आदित्यनाथ को जी को भी खतरा लाहक हो गया है, और उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जाएगी क्योंकि ये होम मिनिस्टर ने फैसला लिया है। बहरहाल हम सब चाहते हैं कि जो हमारा मुख्यमंत्री है उसकी सिक्योरिटी रहे और परिंदा पर न मारने पाए, ये इस बात का ख्याल रखा जाए। लेकिन सवाल यह है कि ख्वाब वो सीएम हो या फिर प्रदेश के आखिरी पायदान पर खड़ा कोई शख्स, सबकी सुरक्षा जरूरी है। और इसीलिए बार बार तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्यों उमेश पाल मारा गया, क्यों उमेश पाल के सिक्योरिटी गार्ड मारे गए, क्यों अतीक अहमद पर हमला हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि जब दनादन गोलियां ही चलने लगेंगे, जब सारे फैसले सड़कों पर ही होने लगेंगे, तो सरकार की क्या जरूरत है और सीएम की क्या जरूरत है, क्यों
क्यों सरकार चुनी जाएगी, क्यों सरकार बनाई जाएगी, क्यों अदालत कायम की जाएगी, एक बड़ा सवाल कायम हो रहा है। तो बहरहाल ये यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है कि अब सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जी हां, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अतीक और अशरफ वाकई गुंडे थे, हालांकि कोई प्रूफ अभी तक नहीं हुआ, लेकिन माफिया थे, डॉन थे, बड़े आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह भी एक बड़ी सच्चाई है कि वो जनप्रतिनिधि थे, अवामी नुमाइंदे थे, 5 बार एमएलए जीते थे, 1 बार लोकसभा से वो चुन करके आते हैं। जी हां, इल्जाम तो सब पे लगता है। क्या इल्जाम सीएम योगी पर नहीं लगाता? क्या सीएम योगी को जान का खतरा नहीं था जब वो पार्लियामेंट में रो रहे थे कि हम मार दिए जाएंगे, हमें बचा लिया जाए? क्या ये गुहार जो है खुद सीएम योगी ने नहीं लगाई थी? जी हां, तो खतरा तो सबको होता है, इल्जाम सब पर लगता है, लेकिन जब साबित हो जाए और मुजरिम करार दिया जाए तभी कुछ बयान दिया जाए। लेकिन गोदी मीडिया ने पूरा साबित कर दिया कि माफिया डॉन, माफिया डॉन, माफिया डॉन। चलिए, अतीक और अशरफ का मामला खत्म हुआ, लेकिन जो मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, खुदा के लिए इसको रोका जाए। अगर नहीं रोका गया तो कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए, ऐसा जो है माहौल बनाया जा रहा है। और इसमें भी मैं समझता हूं कि मीडिया जो हमारा है, गोदी मीडिया, इसका बहुत बड़ा रोल है। गोदी मीडिया न जाने क्या चाहता है टीआरपी के लिए, वो क्यों माहौल को खराब कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि गोदी मीडिया के चक्कर में, उसके ट्रैप में हमारी सरकारों को भी नहीं आना चाहिए, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो अपोजिशन की सरकार हो। गोदी मीडिया बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है टीआरपी के लिए, और इसके फंदे में मैं समझता हूं कि जो कुछ यूपी में हुआ है उसमें एक बड़ा रोल है। और मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम अपोजिशन लीडरान भी कह रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल ने कहा कि मीडिया ट्रायल की वजह से अतीक और अशरफ का कत्ल हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो कानून का कत्ल हो रहा है, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, इसमें गोदी मीडिया का बड़ा रोल है। और इसलिए मैं अपील भी करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो गोदी मीडिया के ट्रैप में मत आए, डेवलपमेंट का काम जो हो रहा है उसकी तरफ तवज्जो दे, ध्यान दे, और उसी की बुनियाद पर वो कामयाबी की सीढ़ियों पर आगे बढ़े। क्योंकि ये जो रास्ता दिखा रहा है गोदी मीडिया, इस रास्ते का अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।